हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो ये दूसरा वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है उसके बारे में हम डिस्कस किया था। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करेंगे एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक ए मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंट बैक इन टू द सेम मीडियम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो यहाँ पे इस फिगर के साथ में हम जानने की कोशिश करेंगे, जब भी कभी लाइट कोई शाइनी सरफेस में इस तरह से फॉल करता है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे शाइनी सरफेस है, यहाँ पे लाइट इधर से आया वापस आके, ठीक है, लाइट आया और यहाँ टकराने के बाद वापस चला गया, बाउंस बैक हुआ है, मतलब कहीं पर आप मार रहे हो फिर वापस रिटर्न बैक हो जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, सेम दूसरा पिक्चर में भी हम देखते हैं, फिगर टू में हम देखेंगे इस प्रकार से। देखिए लाइट यहाँ पे कहाँ हुआ, सरफेस में, यहाँ पे लाइट क्या हुआ, स्ट्राइक कर रहा है, आफ्टर दैट इट इज रिफ्लेक्टिंग बैक। तो ये रिफ्लेक्टिंग बैक मतलब बाउंस बैक हो रहा है सेम मीडियम में, जिस मीडियम से मतलब मीडियम सेम मीडियम मतलब यहाँ पे कोई मीडियम का चेंज नहीं हुआ है, लाइट कोई भी शाइनिंग सरफेस में क्या हो रहा है, गिर रहा है, गिरने के बाद क्या हो रहा है, वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत सिंपल मीनिंग है, तो आपको पहले तो मीनिंग को समझना है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक, याद रखना है क्या है, रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक। ठीक है, तो ये था रिफ्लेक्शन। तो सिंपल डिफिनेशन आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप ले सकते हैं डिफिनेशन। देन दूसरा टॉपिक को हम देखेंगे इसके बाद क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन का जो लॉज है, जो रूल है, उसको हम देखेंगे। मेनली टू रूल्स आपको दिमाग में रखना है, दो रूल्स आपको ध्यान रखना है। पहला रूल है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मैं एक एक करके बात करूंगा। देन सेकंड क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो पहला अगर हम इस फिगर में देखेंगे, यहाँ पे फिगर पे आइए, ये जो रे था इंसिडेंट रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, उसके बाद ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, बीच में जो रेड कलर का है इट इज द नॉर्मल। ओके, नॉर्मल आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। सो इंसिडेंट रे यहाँ पे आया, यहाँ पे टकराने के बाद, सरफेस में टकराने के बाद क्या हुआ, वापस गया। ठीक है, सरफेस में टकराने के बाद क्या हुआ, वापस गया। तो इसलिए बोला है जो उसके बाद ये नॉर्मल के साथ में जो एंगल फॉर्म किया, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये था एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर है ये, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक, सो ये क्या बोल रहा है, पहला रूल क्या बोलता है, पहला लॉज क्या बोलता है, जो एंगल आई यानी कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर ये 50 डिग्री होगा, मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अगर ये 50 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये भी 50 डिग्री का ही एंगल बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट था, ये नॉर्मल था और ये क्या था, रिफ्लेक्टेड रे था, तो सभी का सभी एक ही प्लेन में क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, एक ही प्लेन में एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इस पॉइंट का नाम क्या है, इंसिडेंट पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे टकराया हुआ है। ठीक है, सो तीनों का तीनों जो पॉइंट है एक ही पॉइंट रहेगा, ठीक ना, एक ही प्लेन पे रहेगा। सो ये दूसरा पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है ये। सो ये था टू लॉज, लॉज आपको ध्यान रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइन द सेम प्लेन, ये दूसरा रूल को आपको दिमाग में ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं रेगुलर बेसिस पे आपको क्लास 10 से रिलेटेड जो साइंस का वीडियोस होगा, साइंस का कॉन्सेप्ट होगा, उसको मैं सिखा रहा हूँ। तो चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर वीडियो का आनंद लेते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, कॉमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ठीक है, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।